अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे थे स्प्रिंग मैथ सिस्टम, लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन की है फ्री एंड अनडैम्ड मोशन की, यानी कि ना तो स्प्रिंग के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है फोर्सेस का, और ना ही कोई हमने मास के ऊपर स्पेशल किस्म का कोई फोर्स लगाई है, या कह रहे हैं रेजिस्टेंस लगाई हुई है जो कि उसकी मोशन के अंदर चेंजेस लाए। लेकिन ये जो केसेस हैं जो हमने पहले अभी पहले डेरिवेशन की है फ्री अनडैम्ड मोशन की, इट इज़ लाइक एन आइडियल सिचुएशन, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, रियलिटी में जब हम कभी कोई स्प्रिंग मास सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर सम डूइंग सम पीरियोडिक मोशंस वो साइनोसाइडल वेव के बाद आहिस्ता 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 वो एक रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। हमेशा स्प्रिंग ये नहीं होगा कि आपने उसे एलॉन्गेट किया तो वो वाइब्रेशन ही शो करता रहे, वक्त के साथ साथ एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक मज़ीद इसमें जो रियलिटी का एक फैक्टर लाते हैं कि अभी हमारी जो मोशन है इट इज़ अ डैम्प मोशन, यानी कि हम जो फैक्टर ला रहे हैं, जो फैक्टर ऐड कर रहे हैं वो है मास के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। जब फॉर एग्ज़ाम्पल जो एयर है, ये भी तो हमारी एक किस्म की रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत इसमें होती है, इट इज़ अ मीडियम, इट इज़ अ फ्लूड। तो जब भी कोई मास का ब्लॉक इसके अंदर मूवमेंट करेगा तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ये ज़रूर शो करेगा। रेजिस्टेंस की वजह से ही जो पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, जो पैराशूट वगैरह हमारे जो एयरफोर्स के जवान जो हैं जब जंप वगैरह करते हैं तो पैराशूट इसी एयर रेजिस्टेंस की बेस पे ही आपको बंदे को आराम से नीचे ले जाती है। और नेक्स्ट फिर इस डेरिवेशन के बाद हम करेंगे कि जब हमारे पास जो मोशन है वो फ्री नहीं है, मीन कि जो स्प्रिंग है इसको भी हम उसकी मूवमेंट लेकर चलेंगे। तो अभी हम चलते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की तरफ जो कि फ्री और डैम्प मोशन है। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और नेक्स्ट फिर इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत हम एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो डेरिवेशन जो है बुक पे थोड़ी सी शॉर्ट से लिखी है क्योंकि उसको उसने लिंक बनाया हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन, लेकिन जब भी कोई आपके पास टॉपिक आएगा तो आपने हर चीज़ नए सिरे से लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल डेरिवेशन लिखी हुई है कि इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। कि लेट अस सपोज दैट अ स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज़ अटैच्ड टू ए रिजिड बॉडी, जैसे कि फिगर ए में शो किया हुआ। फ्रॉम द बेसिक लेट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल, अब उसके बाद हमने उसके साथ मास अटैच करना है कि लेट अ मास ऑफ ए वुडन ब्लॉक इज अटैच्ड विद ए स्प्रिंग। ओके, जब वो अटैच होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग में थोड़ी सी इलॉन्गेशन आएगी, थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी, वही हमने आगे लिखा है कि ड्यू टू विच स्प्रिंग स्ट्रेचेज टू ए डिस्टेंस एस। अब जितनी स्ट्रेचनेस आएगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस के साथ, एंड अटेन्स एन इक्विलिब्रियम और रेस्ट पोजिशन एट विच द वेट डब्ल्यू ऑफ ए मास बिकम इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। जब हमने मास का ब्लॉक उसे अटैच करेंगे तो लेंथ एल से वो लॉन्गेट हो जाएगा और उसके बाद एक स्टैटिक पोजीशन पर आ जाए, जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा है। ये जो स्टैटिक पोजीशन है इट इज़ कॉल्ड रेस्ट पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस वन। इसका लिंक किसके साथ है, इधर। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे होती है कि सबसे पहले स्प्रिंग तो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से वो उसे बैक पे अपनी तरफ ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ साथ मास का वेट भी है, तो ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी तो हमारा सिस्टम जो है वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स एफ। हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, इट इज़ के एस। साथ आप सिंस लिखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलॉन्गेशन, ये साथ हमने डिटेल थोड़ी थोड़ी बतानी है। और फिर इधर से हम मजीद इक्वेशन निकाल सकते हैं कि एम जी माइनस के एस इज इक्वल टू जीरो और के एस माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, चूँकि बहुत इक्वल हो गए। अब आगे चलते हैं। लेट सपोज दैट अ मास इज सस्पेंडेड इन ए विस्कस मीडियम और अटैच्ड बाय डैम्पिंग रिवर्स, या तो किसी विस्कस मीडियम में है जो कि जो मास की मोशन है उसमें रेजिस्टेंस शो करेगा, फॉर एग्जाम्पल हनी या कोई सम ऑयल, क्योंकि जितने भी मटीरियल हैं ये सारे मूवमेंट के अंदर रेजिस्टेंस पेश करते हैं। वाटर इज ऑल्सो विस्कस मीडियम, लेकिन उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। इसी तरह विस्कोसिटी को जो बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस भी होती हैं इन आर लैब, दैट इज़ कॉल्ड डैश पॉट डंपिंग डिवाइसेस। तो हमने सारे सिस्टम को क्या किया, किसी एक कंटेनर के अंदर रख दिया जिसके अंदर जो मास है फुली उसके अंदर सबमर्ज्ड है,
और साथ स्प्रिंग का भी कुछ पोर्शन पानी के अंदर या ऐसे किसी ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। अब जब ये वाला मटेरियल आ गया है तो वो क्या करेगा, वो मैस की मूवमेंट में रेजिस्टेंस मजीद ऐड करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो डैम्पिंग फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी डैम्पिंग फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स से एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो का फैक्टर आएगा, वी हैव सपोज्ड दैट दैट कॉन्स्टेंट इज बीटा और बीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, वी को हम डी एक्स ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, तो फिगर सी तक हमारी चीज़ें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या काम है, सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी कि वट इज़ आर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, वट इज़ आर रेजिस्टिंग फोर्स, वट इज़ आर डैम्पिंग फोर्स एट्सेट्रा। अब आगे चलते हैं हमारा मेन काम है उसकी मूवमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्या स्ट्रेटजी होगी कि हम स्प्रिंग को मज़ीद सम डिस्टेंस पे एलोंगेट करेंगे और उसको ऐसे रिलीज़ कर दें जिसकी वजह से उसके अंदर ये मोशन शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, नाउ इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन देन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी एफ आर इज इक्वल टू के एस प्लस एक्स, क्योंकि हमने अब जो स्प्रिंग है उसको मजीद एलोंगेट कर दिया एक्स से, तो पहले उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आती है ओरिजिनल में जितना डिस्टेंस हमने ऐड किया हुआ है, अब उस डिस्टेंस के अंदर एक्स भी ऐड हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी एस प्लस एक्स। ओके जी, आगे क्या करना कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी यानी स्प्रिंग के ऊपर अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, देन बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ मास। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज द टोटल फोर्स, उसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेज आ रही हैं, द वन इज वेट, द सेकंड इज रेस्टिंग फोर्स, द थर्ड इज डैम्पिंग फोर्स। अब वेट की चूँकि डायरेक्शन डाउनवर्ड इट इज पॉजिटिव, बाकी दोनों फोर्सेज डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, इस वजह से हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया और साथ रीजन लिख दी कि नेगेटिव साइन विद द एफ आर एंड एफ डी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ फोर्सेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अगर ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो रेजिस्टिंग फोर्स जो स्प्रिंग की है वो उसे अपवर्ड खींचेगी, इस तरह जो ये जो विस्कस मटीरियल है ये भी इसको रेजिस्ट करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड हो जाएगी। आई थिंक मुझे यहाँ पर पॉइंटर यूज़ कर लेना चाहिए दिस वन, तो रेजिस्टिंग फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड होगी डैम्पिंग फोर्स, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। अब जब ये चीज़ें लिख दी हैं तो अब इनके इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि फर्दर वही अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड बिलो द इक्विलिब्रियम पोजिशन एक्स इज इक्वल जीरो आर पॉजिटिव एंड अबव आर नेगेटिव। ओके जी, तो अब हम तमाम वैल्यूज जो है इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो एम ए को हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एम जी एंड द रेजिस्टिंग फोर्स इज के एस प्लस एक्स, जो कि हमने पीछे ड्राइव किया है दिस वन, डैम्पिंग फोर्स दैट इज बीटा डी एक्स ओवर डी टी। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कर लें एंड वी नो दैट एम जी माइनस के एस, ये हमने अभी पीछे ड्राइव किया था कि बोथ आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसकी वजह से ये जीरो हो जाती है, ये वैल्यूज तो सेम है इसलिए हम इनको जीरो कर देंगे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर मैस है तो आप मैस से डिवाइड भी कर सकते हैं बिकॉज के ओवर एम, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर लिखना जैसे कि हमने पहले फर्स्ट डेरिवेशन में किया था। तो चलते हैं आगे, वेयर इज द पॉइंटर, चलें जी, तो डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा ओवर एम इज इक्वल टू लैम्डा, ये हमने लिखा है, लैम्डा भी लिख सकते थे लेकिन टू लैम्डा क्यों लिखा है इसकी आपको आगे जाके रीज़न पता चल जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर यूज़ किया था। तो ये आपके पास एक फ्री डैम्प मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है। तो आगे जो है कि नेक्स्ट हमारा काम है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये साथ हमने रीज़न लिख दी कि सिंबल टू लैम्डा इज़ यूज्ड फॉर अलजेब्रिक कन्वेंशंस, ठीक है, कि इसको सिंप्लीफिकेशन या सॉल्व करने में हमारे पास चीज़ें आसानी हो जाती है। द इक्वेशन है रिप्रेजेंट्स द फ्री डैम मोशन ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही
जो डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड है कि एक्चुअली इक्वेशन बनाएं या ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास जो है दिस इज एम स्क्वायर, यहाँ पर टू लैम्डा आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो है एम नहीं आता। अब जो है इसकी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो वो हर जगह पुट कर दें, दिस इज योर यहाँ पर आ जाता है ए जो कि वन है, बी जो है हमारे पास टू लैम्डा है और सी जो है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, तमाम वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन कर ली एंड वी गॉट द रूट्स एम वन एंड एम टू। अब यहाँ पर जो है जो रिजल्ट डिपेंड करेगा वो डिपेंड करे ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पे। अब इसकी तीनों वैल्यूज होती हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, और इसकी वजह से फिर तीन टाइप के सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो इन तीनों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंड द केस वन, लैम्डा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि लैम्डा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है। अब लैम्डा स्क्वायर किसके साथ अटैच है? वो हमारा डैम्पिंग कॉन्स्टेंट के साथ अटैच है, तो दैट मीन जो हमारी डैम्पिंग फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रजिस्टिंग फोर्स, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जो है दिस वन ये किसके साथ अटैच है? ये एफ आर के साथ अटैच है, क्योंकि ये जो है ये के साथ अटैच है और के जो है एफ आर के साथ अटैच है। तो सादा लफ्ज़ों में क्या बात हुई कि जो हमारे पास डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है बीटा, ये डैम्पिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एज कम्पेयर टू रजिस्टिंग फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सिचुएशन है इट विल बी अ ओवर डैम्प्ड सिचुएशन, क्योंकि जो डैम्पिंग की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रजिस्टर फोर्स। अब जब इसकी वैल्यू ज़्यादा है दिस अ पॉजिटिव, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास सोल्यूशन जो है देर विल बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और उसके अंदर हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है इट इज़ सी वन ई पावर एम वन टी वेर एम वन इज़ द रूट प्लस सी टू ई की पावर एम टू टी वेर एम टू इज़ द सेकेंड रूट। आप उसकी वैल्यूज पुट कर दें और दिस इज योर आंसर। इसको आपने याद रखना है कि ये कब सोल्यूशन होगा? जब हमारे पास केस वन होगा, डैम्पिंग फोर्स जो है वो रेजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा हो, या लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके जी, चलते हैं केस थ्री की तरफ, केस सेकंड की तरफ, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं, या लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब जब दोनों वैल्यूज बराबर हैं इसका मतलब है कि बीटा और के की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, या हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिंग फोर्स और जो डैम्पिंग फोर्स है वो बराबर है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिचुएशन, यानी कि सबसे अगर किसी एक फैक्टर में भी थोड़ी सी मामूली सी इजाफा या कमी हो जाए तो सारी की सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर उसने डैम्पिंग के लिहाज से लिखा हो कैन स्लाइटली डिक्रीज इन डैम्पिंग फोर्स विल रिजल्ट इन ऑसिलेटरी मोशन और वाइस वर्सा, अगर डैम्पिंग फोर्स कम होगी तो मोशन जो है वाइब्रेशन की वो ज़्यादा होगी ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्स, और अगर डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ओवर डैम्प सिचुएशन बन जाएगी। बहरहाल हमारा ताल्लुक किससे है? हमारा ताल्लुक तो सोल्यूशन से है, तो वो हमने कैसे फाइंड आउट करना? जब दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास रिपीटेड रूट्स आएंगे, तो रिपीटेड रूट्स में हमें पता है कि साथ हम इधर टी का फैक्टर ऐड कर लेते हैं, जैसे आप सिंप्लीफाई कर लें ई की पावर माइनस लैम्डा टी ब्रैकेट सी वन प्लस सी टू टी, क्योंकि जो हमारा रूट है इट विल बी ओनली माइनस लैम्डा, बाकी सारा फैक्टर तो ज़ीरो की वजह से ख़त्म हो गया। नाउ थर्ड केस, जब वैल्यू नेगेटिव हो मतलब हमारे इमेजिनरी सॉल्यूशंस आएंगे, तो दिस सॉल्यूशन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड, यानी कि जो डैम्पिंग फोर्स है इट इज़ वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या एज कम्पेयर टू रेजिस्टिव फोर्स। अब इससे क्या होगा? जब आपकी रेजिस्टिंग फोर्स जो डैम्पिंग फोर्स है वो कम है और रेजिस्टिव फोर्स जो स्प्रिंग की ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ऑसिलेटरी मोशन बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स का हमें पता है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, तो ये हमने लिख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इसके अंदर ये चीज़ है कि एक सोचने वाली कि आमतौर पर तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कैसे आया? तो उसकी वजाहत जो है नीचे लिखी हुई है कि एक्चुअली रूट वॉज एम वन माइनस लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाकी चूँकि हमें वो नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी फॉर इमेजिनरी, तो हमने क्या किया कि हमने से माइनस कॉमन ले लिया,
तो ताकि अंदर का फैक्टर जो है वो पॉजिटिव हो जाए और ये माइनस जो है ये आयोटा बन जाए, और बाकी फैक्टर जो है वो सेम एज इट इज़ आ। इस वजह से यहाँ पर जो रूट है, जो एंगल है, वो ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर आया इंस्टेड ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि सारी डिटेल्स पहले हमने पढ़ी हुई हैं, ये सॉल्यूशंस आपको आते हैं, आप ओडीज़ में कर करके थक गए हैं। द मेन थिंग वाज किसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में क्या है कि बुक में उन्होंने शायद डायरेक्टली इधर से ही स्टार्ट कर लिया हो, ये इस वाले जगह से, पैराग्राफ से, लेकिन हमने उसे सारी शुरू में सारी फिगर बतानी है, सिचुएशन बतानी है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। इसी तरह जो आगे थर्ड हमारा केस आएगा उसके अंदर तो मज़ीद शॉर्ट है, उसमें जैसे उन्होंने एक फैक्टर मज़ीद ऐड करके जो कि इधर स्प्रिंग के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी। लेकिन अगर उसकी भी डेरिवेशन आएगी तो आपने इसी तरह स्टार्टिंग से ही लिखना है कि वट इज़ के, वट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये एम जी और के एस कैसे बराबर आई हैं, फिर हमने इसको एक विस्कस मटेरियल में पुट किया है, उसे हमारे पास डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू आएगी। ये सारी हवाओं से चीज़ें नहीं आ जाती, ये सारी हमें पहले डिफाइन करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना। नाउ इफ मैस, पॉइंटर ही घूम जाता है, नाउ इफ मैस इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स, ये फिर काम यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। ओके जी, चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, इट इज एक्सरसाइज इज 5.1। अ मैस वेइंग 4 पाउंड इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 lb पर फीट, दैट मीन दिस इज आवर के एंड अ मैस वेइंग 4 पाउंड। जो अगर पाउंड आया तो आपको कन्वेंशन बताया हुआ है कि जब भी अ मैस वेइंग आ जाए दैट मीन इट्स अ वेट नेट नॉट मास। ओके जी, नेक्स्ट क्या है। एंड द मीडियम ऑफर्स अ डैम्पिंग फोर्स दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका बीटा है इट इज़ 1, जब न्यूमेरिकली इक्वल है तो ये आपको बता रहा है कि एफ डी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वट एवर द वेलोसिटी इज। तो बीटा फैक्टर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फाइन, द मैस इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट 1 foot अबव द इक्विलिब्रियम पोजिशन। 1 foot अबव द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजिशन है तो दैट मीन उसके साथ माइनस आएगा, डाउन होता तो पॉजिटिव, अप है तो नेगेटिव, और चूंकि फीट है तो यहाँ पर फीट ही चलेगा, इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, विद अ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 8 फीट पर सेकेंड, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी है तो इट विल बी अ पॉजिटिव, तो एक्स डैश ऑफ 0 दिस विल बी 8 फीट पर सेकेंड। ओके जी, करना क्या है, डिटरमिन द टाइम एट विच द मास पैसेज थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजिशन। आपने बोला टाइम फाइंड आउट करना है जब मास जो है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन से मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे लेट T1 बी द टाइम व्हेन द मास पैसेज थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजिशन। और उसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्या आपने जो भी जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है उसको 0 के बराबर रखें और टाइम फाइंड आउट कर लें। तो जो फर्स्ट मल्टीपल टाइम्स आएंगे किसी एक को, जो फर्स्ट वन उसको सेलेक्ट कर लें, दैट विल बी द टाइम, दैट विल बी आवर T1। अच्छा जी, आगे क्या करना है, फाइंड द टाइम एट विच द मास अटेन्स इट्स एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट मीन एल्टीट्यूड मैक्सिमम आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्री डैम्प मोशन है तो हम वो जो एल्टीट्यूड वाला फार्मूला हमने एक शॉर्टकट निकाला था वो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ट्रेडिशनल मेथड पे ही जाना पड़ेगा। इसके ऊपर लगाते हैं क्रॉस। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि फाइन एक्स डैश एफ टी, जो कि हम डेरिवेटिव के जरिए मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, उसको 0 के बराबर रखें, फाइंड द टाइम, और फिर उन टाइम्स को लेट दीज टाइम्स आर एक्स स्टार, ठीक है, कोई आप नाम दे लें, और उसको फिर आपने एक्स ऑफ टी के अंदर पुट करना, और दो तीन वैल्यूज 4 वैल्यूज पुट करें जिसके ऊपर मैक्सिमम उसकी पोजीशन वैल्यू आ रही है, वही आपका
एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होगा। 10-15 वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पहले 2-3 पुट कर लें, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। चूँकि साइनोसाइडल या जो हम उसे कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन है, इसलिए 3-4 वैल्यू से ही पता चल जाए। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मास एट दिस इंस्टेंट। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है तो वही उसकी पोजीशन होगी, एक्सट्रीम वैल्यू जो होगी दैट विल बी इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा है कि टाइम फाइंड आउट करें, टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद उसने पोजीशन कहा है तो उसे एक्स एफ टी में पुट करो और आंसर निकालो, दैट इज सिंपल। तो मेन जो हमारा इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन के बाद जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा है वो फाइंड आउट करना है टाइम, एल्टीट्यूड के लिए एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट के लिए वो आपने जनाब ट्रेडिशनल मैथड इसके ऊपर अप्लाई कर दें, वो टाइम निकल आएगा और टाइम के साथ आपने पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज इट, कोई इतना बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, उसके अंदर क्या नई चीज़ आ रही है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। A 4-foot spring measures 8 feet long after a mass weighing 8 pounds is attached. So this is our weight. अब यहाँ पर उसने क्या बताया कि 4 foot का spring है, जब हम उसके साथ mass attach करते हैं उसकी elongation हो जाती है 8 feet. That means our S is 4 feet. The medium through which the mass moves offer a damping force numerically equal to square root 2 times instantaneous velocity. Matlab, this is our beta. Find the equation of motion if the mass is initially released from the equilibrium position with the downward velocity. Downward velocity hai, to x dash of 0 will be positive. Or equilibrium position hai, to our initial position will be 0. Find the time at which the mass attains its extreme displacement from the equilibrium position. From the equilibrium position. तो वही कि आपने इसके velocity formula find out करना है, उसको 0 के बराबर रखना है और time निकालें और time को फिर आपने position में put कर दें। और वही इसने आगे लिखा हुआ कि what is the position of the mass at that instant. तो ये पिछले question की तरह ही है, जस्ट क्या है इसके अंदर जो आपको एस फैक्टर दिया गया वो एक नई चीज़ है। तो होपफुली ये आपसे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई मुश्किल सी चीज़ या डिफरेंट सी चीज़ आती है तो उसके पे ज़्यादा थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करते हैं। अभी तक तो पिछला ही क्वेश्चन चल उस तरह के चल रहे हैं जो हमने फ्री अनडैम्प्ड मोशन में किया, जस्ट क्या कि यहाँ पर जो है आपको सोल्यूशन के लिए जो 3 केसेज हैं उनको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, अ 1 किलोग्राम मास, तो दिस इज आवर मास जो कि किलोग्राम है, इज अटैच टू अ स्प्रिंग हुज कॉन्स्टेंट इज 16 न्यूटन पर मीटर। तो वी हैव के वैल्यू। द इंटायर सिस्टम इज देन सबमर्ज इनटू अ लिक्विड दैट इम्पार्ट्स अ डैम्पिंग फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 टाइम्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब बीटा की वैल्यू 10 है। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ द मास इज इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट 1 meter below the equilibrium position. तो from the rest का मतलब है कि velocity जो है वो 0 और जो 1 meter below है that mean it is positive. X of 0 is equal to 1. Next B part में क्या है, the mass is initially released from a point 1 meter below the equilibrium position. अगेन जो आपकी इनिशियल पोजीशन आ रही है दिस इज एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 meter, अगेन वही ऊपर वाली कंडीशन नीचे आ गई लेकिन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी, डेरिवेटिव जो है वेलोसिटी की इनिशियल कंडीशन वो चेंज हो गई, एक्स डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -12 चूंकि अपवर्ड है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो इसके अंदर जस्ट आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल वन, यू नीड टू फाइंड लैम्डा, यू नीड टू फाइंड ओमेगा, के की वैल्यू गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, यू कैन फाइंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, टू फाइंड लैम्डा वी नीड बीटा एंड एम, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा भी है अगेन एम भी है, आपके पास 2 लैम्डा भी निकल आएगा।
उसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करें एंड फाइंड द सॉल्यूशन। इनिशियल कंडीशन साथ हमें बता दी गई हैं। ओके 24 में क्या पूछ रहा है कि इन पार्ट एंड ए एंड बी ऑफ प्रॉब्लम 33 डिटरमिन वेदर द मास पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपने फाइंड आउट करना है कि मास इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा है कि नहीं, तो यू नीड टू पुट एक्स टी इज इक्वल टू जीरो। अगर तो कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है मीन, और कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू इन्फिनिट ना आए, और सेकेंड जो है कोई पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, टाइम नेगेटिव में नहीं होता, तो रीजनेबल आंसर भी आए, तो फिर हम कह देंगे मैथ से पास कर। अगर ना तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ना ही फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास नहीं कर रहा, क्योंकि जब डैम्पिंग फैक्टर ज़्यादा होता है तो बाद वो अपना ऑसिलेट जो साइकिल है वो कम्प्लीट ही नहीं करता, एकदम ही रेस्ट पोजिशन पर आ जाता अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना। वो किससे डिपेंड होगा? टाइम की वैल्यू को देख के। In each case, find the time at which the mass attains its extreme displacement from the equilibrium position. Extreme displacement के लिए आपने उसके derivative को जीरो के बराबर रखना है, और वो जो time आएगा वो that will be your time for extreme displacement. Okay, the position find out करनी है, यही time आप position formula में put करके answer निकाल सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। द नेक्स्ट इज 25। वाओ, तीन पार्ट है, तो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। अ फोर्स ऑफ 2 pounds स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग, तो दिस इज फोर्स, तो हम इसे फोर्स से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर उसने वेट नहीं दिया। स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग 1 foot, तो दिस इज आवर एस। अ मास वेइंग 3.2 pounds, तो दिस इज आवर वेट, इज अटैच टू अ स्प्रिंग। And the system is then immersed in a medium that offers a damping force numerically equal to beta. फिर जो फर्स्ट आपको पहला सेंटेंस दिया गया, फोर्स ऑफ 2 pounds स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज इक्वल टू 1 foot, ये जस्ट दिया गया आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालेंगे, उसके बाद ये फोर्स खत्म हो गई। उसके बाद उसने कहा जी हमने दोबारा उस स्प्रिंग के ऊपर एक मास अप्लाई किया जिसकी जो वेट है 3.2 pounds, और साथ उसमें मास कर दिया है किसी लिक्विड के अंदर जो कि टैम्पिंग दे रहा है बीटा 0.4, इसलिए आपने इसे कन्फ्यूज नहीं होना। ए पार्ट ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, इफ द मास इज इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट 1 foot अबव द इक्विलिब्रियम रेस्ट है, तो वेलोसिटी विल बी जीरो। मैं यहाँ पर वी ऑफ जीरो लिख रहा हूँ बजाय कि एक्स बार लिखना पड़े बार बार, और इक्विलिब्रियम पोजिशन है एक्स ऑफ जीरो, अबव है तो -1। एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको रहने दें। ओके जी, तो वी वर डिस्कसिंग के पार्ट सी, फाइंड द फर्स्ट टाइम एट विच द मास पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन हेडिंग अपवर्ड। सबसे पहले तो कि मास जो है पास कर रहा है थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? वो आप फाइंड आउट करेंगे एक्स टी इज इक्वल टू, जो भी आपका सोल्यूशन है उसको जीरो के बराबर रखें, तो आपके पास टाइम की मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगे, से 1, 2, 3 and 4 एंड सो ऑन। चूँकि ये साइनोसाइडल है तो ये रिपीट करता रहेगा आफ्टर पीरियडिक टाइम। अब पूछा ये गया है कि पोजिशन हेडिंग अपवर्ड, यानी कि मैस कब अपवर्ड की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होनी चाहिए, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा पहले इनिशियली देखना पड़ना है कि वो 1 foot अबव द इक्विलिब्रियम पोजिशन मूव कर रहा है। तो लेट्स से हम एक फिगर बना लेते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसे हमने इनिशियली रिलीज किया है से फ्रॉम अबव, ओके फाइन, और वो क्या करेगा, पहले डाउनवर्ड आएगा थोड़ा सा, ठीक है, ओके अपनी वैल्यू अटेन करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेगा, और अभी भी वो अपवर्ड जा रहा है, तो दैट मीन जो फर्स्ट टाइम आएगा वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए ये वाला टाइम आपका हो गया कैंसिल। सेकेंड टाइम विल बी योर द वैल्यू जहाँ पर वो अपवर्ड मूव कर रहा है, और उसकी वैल्यू भी पोजीशन जो है वो जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो पास कर रहा है। तो जब इस तरह की चीज़ें हैं आपके पास टाइम तो निकल आएंगे मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन बाकी चीज़ों को आपने थोड़ा सा ग्राफिकली बनाकर देखें तो आपको समझ आ जाएगी।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 26। आफ्टर अ मास वेइंग 10 पाउंड्स इज अटैच्ड टू अ 5 फुट स्प्रिंग, द स्प्रिंग मेजर्स 7 फीट। तो दिस इज आवर वेट, एस कितना होगा, 7 में से 5 को माइनस कर दें तो इट विल बी 2। द मास इज रिमूव्ड, फाइन, एंड रिप्लेस्ड विद अनदर मास ऑफ 8 पाउंड्स। तो लेट्स से दिस इज W1 एंड दिस इज आवर W, जो कि करंट सिस्टम के साथ चल रहा है, यानी कि ये वाला जो सिस्टम है ये सारे का सारा आपको गिवन दिया गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दैट्स इट। अब जो है एंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ मीडियम दैट ऑफर अ डैम्पिंग फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन बीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, इफ द मास इनिशियली रिलीज फ्रॉम द 1/2 foot बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दिस विल बी आवर पोजिशन इनिशियल, बिलो है तो पॉजिटिव ही चलेगा। तो x0 इज इक्वल टू 1/2 foot इक्विलिब्रियम पोजिशन विद द डाउनवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी है तो इट विल बी अ पॉजिटिव, x'0 विल बी 1। करना गया आगे तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, फिर उसका सोल्यूशन निकालें, तो ये वाला रहना दे बी पार्ट। फाइंड द टाइम एट विच द मास पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजिशन हेडिंग डाउनवर्ड, अगेन वही चीज़ आ गई कि यू नीड टू फाइंड टाइम, वो आप जीरो को पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे टी की, आपके पास दिस इज 0.06, टी की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हमने देखना है कि हेडिंग डाउनवर्ड यानी कि मोशन जो है वो डाउनवर्ड हो, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें फिगर बनानी पड़ेगी, उसी से हम समझ सकते हैं। तो दिस इज अ इक्विलिब्रियम पोजिशन, शुरू में वो कहाँ पर है, 1 foot बिलो द इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो 0.5 feet चले जितनी भी वैल्यू, तो शुरू में इधर है और वेलोसिटी भी क्या है, डाउनवर्ड, यानी कि इनिशियली जो है ये थोड़ा सा साइकिल इसका कुछ इस तरह बनेगा, तो कोई मसला नहीं, हमने तो देखना अपवर्ड कब जा रहा है। तो जो आपकी पहली वैल्यू आएगी इक्वल टू 0 के, तो वो हमारे पास आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम पोजिशन से, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर हेडिंग है अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड, तो इसका मतलब पहली वैल्यू नहीं होगी, ये साइकिल अपना ऊपर जाएगा अगेन डाउनवर्ड आएगा, सो सेकंड वैल्यू विल बी योर आंसर नॉट फर्स्ट, जिसमें वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको कोई फिगर वगैरह बनाएंगे। डी पार्ट इज ग्राफ, तो वो तो हमने करना ही नहीं है क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं है। ओके जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और 27 की तरफ। A mass weighing 10 pounds stretches a spring 2 feet. So this is your weight. This is your S. The mass is attached to a dashboard device that offers a damping force. Well, क्या मतलब लिखते हैं? Weight is equal to 10 pounds. LBF. S is equal to 2 feet. Okay, चूंकि कुछ portion जो है वो question का ऊपर है। अच्छा जी, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द बीटा, बीटा की वैल्यू हमें नहीं दी हुई लेकिन ये बताया कि इट इज पॉजिटिव, टाइम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बीटा सो दैट द सब्सिक्वेंट मोशन इज ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड। यानी यहाँ पर आपने जनरल सोल्यूशन बनाना, तो वेट वॉज आई थिंक 10 pounds, 10 lbf and the s was 2 feet. अब इक्वेशन के लिए हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि बीटा तो हमने फाइंड आउट करना है, तो वी नीड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू, कि f इज इक्वल टू के एस विच इज इक्वल टू द वेट, और k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10/2 and which is 5. ओके जी, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हेयर इट इज 5/, हम मास निकालना तो W इज इक्वल टू एम जी, ये भी मास भी निकल आता है, तो मास इज इक्वल टू
10/32, चूँकि ये एल बी फीड सिस्टम है, इसको मजीद हमने सिंप्लीफाई करना, तो 2 5 था 10, 2 16 था 32, तो ये आ जाएगा 5/5/16, फिर कटिंग हो गई एंड ओमेगा स्क्वायर इज 16। ओके जी, 2 लैम्डा की जगह बीटा और एम ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इट विल बी बीटा ओवर एम दैट इज 5/16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/5। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट विल बी x डबल प्राइम प्लस 16/5 बीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 16 विच इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, यहाँ पर x प्राइम भी आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आएगा। अब उसके अंदर आपने बीटा का कंपैरिजन करना है कि जब हमारे पास ओवरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड में क्या होता है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है वो कब पॉजिटिव होगा, तो उधर से आपने इसके बराबर रख के बीटा की वैल्यू निकाल देनी, कि बीटा की वैल्यू अगर ये रखेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव। और जो क्रिटिकली डैम्ड कब होगा, जब बीटा की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो वहाँ से भी आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी पार्ट इज अंडर डैम्ड, दैट इज लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 0, एक ही बात है। तो इसी वाली इक्वेशन के अंदर आप वो फैक्टर सारे पुट करके आंसर निकालें, इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह 28 भी यही सीन है कि एम एस वेइंग 24 पाउंड दैट इज डब्ल्यू स्ट्रेच इज अ स्प्रिंग 4 फीट, एस इज इक्वल टू 4, द सब्सिक्वेंट मोशन टेक्स प्लेस इन अ मीडियम दैट एफर डंपिंग फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल टू बीटा टाइम्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इफ द मास इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजिशन आ गई है, दैट मीन एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 विद एन अपवर्ड वेलोसिटी, बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 फीट पर सेकेंड, शो दैट वेन बीटा इज ग्रेटर दैन 3/2 द इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस, यानी कि आपने जब ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह बनानी है तो उसके अंदर जो बीटा की वैल्यू है इसको कंसीडर करना है 3 और स्क्वायर रूट 2 से ग्रेटर, तो एन उसके बाद आपके पास कोई एक सॉल्यूशन आएगा दैट कैन बी ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड और अंडर डैम्ड। तो आपने देखना है कि जब बीटा की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 और स्क्वायर रूट 2 हो गई तो वह तीनों सिचुएशन में से कौन सा बनता है, और फिर उसके अंदर आपने रूट्स के अंदर वैल्यूज पुट करनी है बीटा के साथ ही, तो ये वाली फॉर्म आपने बनानी है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आराम से सोचेंगे तो हो जाएगा, और इंशाल्लाह कोशिश करें, कोशिश करने से चीज़ें हो जाती हैं, और फिर भी अगर आपकी कोशिश करने से ये आपको आंसर ना मिले या प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझसे डिस्कस करना। थैंक यू वेरी मच।